कितने दिनों से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे थे? असली एनसीपी का मतलब है शरद पवार साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है। आपने एक आदमी का नाम घुसपैठ क्यों नहीं बताया? नरेंद्र मोदी जी को पता चल गया, अभी 4-5 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देंगे अब 2-3 दिन के बाद। इसका मतलब आप सबसे कमजोर सरकार है। 11 साल देश के प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना, महिला होके महिला की पहचान पे अटैक करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब उसको देखो, एक लाठी नहीं चली, सारी चीजों को उन्होंने किस तरह टैकल किया। असली एनसीपी वर्सेस नकली एनसीपी, ये कोई जाहिल आदमी ना इस तरह की बात कर रहा है। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM पर। आज आप समर्थन में प्रचार करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? चुनावी लड़ाई महाराष्ट्र की कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा के पास और नरेंद्र मोदी जी एक ही बात करेंगे, कटेंगे बांग्लादेशी। जब बांग्लादेश की बात करेंगे तो आप हमको जरा एक बात बताइए। मैं तो चलिए ना, 1 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि बांग्लादेश का बॉर्डर है यहाँ, कोई घुसपैठ हमको जरा बता दीजिए, घुसपैठ कब हुआ, घुसपैठ कैसे हुआ? अच्छा, जब घुसपैठ हुआ भी, एक तो बॉर्डर नहीं है, और घुसपैठ यदि हुआ भी तो आप हमको ये बता दीजिए कि कितने दिनों से आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे थे? आपने एक आदमी का नाम घुसपैठ क्यों नहीं बताया? तो इसका मतलब आप सबसे कमजोर सरकार है। आपको कांग्रेस ने कहा, एनसीपी ने कहा कि आप इनको, आप घुसपैठ को नहीं निकालो, किसने कहा आपको? तो जब आपको किसी ने कहा नहीं, तो जब चुनाव आता है तो नफरत की राजनीति, आपने काम क्या किया आप उसको बताओ, जो उद्धव ठाकरे जी बताते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने जो कोरोना में काम किया आप उसको देखो, एक लाठी नहीं चली, सारी चीजों को उन्होंने किस तरह टैकल किया। लेकिन आप बीजेपी के राज में देखो कितने लाठी चले और टैकल नहीं किया गया, आप इसको समझिए। महायुति के बटेंगे कटेंगे नारे वाले को आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि पप्पू यादव जी आप 6 बार के सांसद हैं और तीखा हमला करते हैं। एक बात सुनो ना, ये कोई जाहिल आदमी ना इस तरह की बात कर रहा है, ये तो कोई जाहिल आदमी ही बात करता है। 11 साल देश के प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना, ठीक है? जरा आप हमको ये बताओ कि 56 इंच के सीना के बाद भी आप कह रहे हो कटोगे बटोगे। एक तो आप कहते हो कि आप सबसे बड़ी बात कहते हो, आप हमको एक बात बताओ, आप बोलते हो कि हिंदू खतरे में, भैया 11 साल के बाद भी खतरे में और 20 साल सरकार रहने के बाद भी खतरे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी, अब तो वो सवाल नहीं है ना। आप हमेशा महाराष्ट्र के लोग अमन पसंद लोग हैं, और महाराष्ट्र के लोग आप याद रखिएगा, हिंदू मुसलमान जात पात ज्यादा नहीं करते, मराठा के ये दुश्मन है, ओबीसी ईबीसी दलित के ये दुश्मन है। ये आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने बैंक की रेलवे की नौकरी बंद कर दी, ये ओबीसी विरोधी है, ये प्राइवेट करके इन्होंने आरक्षण दिए, 50% आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाते,
मोदी हमला करते हैं कि अघाड़ी दल जो है वो गाही का दल है और इसी के साथ जातियों में भी जातियां बांटना चाहते हैं। देखिए राहुल गांधी शरद पवार जी क्या चाहते हैं, जो ओबीसी ईबीसी के लोग गरीब हैं, जिनको इन लोगों ने हक नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, उसका जाति सर्वे हो, इकोनॉमिकल एजुकेशनल, और उसको हम बढ़ावे। ये 11 साल पहले आते ही सबसे पहले 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी, क्योंकि उसमें ओबीसी ईबीसी दलित पर हमला किया। इसकी लड़ाई माइनॉरिटी से नहीं है, इसकी लड़ाई एसटी एससी ईबीसी से। माइनॉरिटीज तो 18 करोड़ है, 20 करोड़ है, यहाँ 123 करोड़ है, कहाँ से लड़ाई होगी आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो माइनॉरिटीज वैसे ही नहीं लड़ेगा और लड़ना भी नहीं चाहता। तो क्या पट्टों के कट्टों के नारे से सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? आप ऐसे समझिए ना, मैं आपको क्लियर एक बात बताता हूँ, अब बहुत सीधा कि ये एसटी के भी दुश्मन है, एसटी के भी दुश्मन है, एससी के भी दुश्मन है, ये आप समझिए, और ओबीसी के तो सबसे बड़े दुश्मन ये है ही। इन्होंने सबसे बड़ा प्राइवेट नौकरी को करके ओबीसी पर को समाप्त किया है। अभी यूपी में 4 दिनों से युवा लोग बैठे हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद की। ये मस्त है हिंदू मुसलमान करने, इन्हें युवाओं से मतलब नहीं है। किसान की स्थिति कितनी बुरी है, बिहार में ये किसान पर बात ही नहीं करते। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है उसके बाद क्या कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप मानी जाए? भैया ये स्थिति वही है जब कभी बॉम्बे में बीजेपी की सरकार बहुत पहले थी, जब पूरा का पूरा बॉम्बे की स्थिति खराब थी, उससे भी बदतर स्थिति कानून की अब हो रही है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप इसको समझिए, कानून की स्थिति बहुत बुरी है, कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बात अहमद जी हमारे साथ है जो प्रचार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बेहद कम समय बचा और यहाँ लड़ाई एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। क्या कुछ कहेंगे, प्रचार कैसा चल रहा है लोगों के बीच? असली एनसीपी वर्सेस नकली एनसीपी। असली एनसीपी का मतलब है शरद पवार साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है। देखिए प्रचार में लोगों का समर्थन मिल रहा है, पिछले 10 12 15 सालों में नवाब मलिक ने अपने आप को नवाब समझा और खुरला में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बनवाए, लेकिन यहाँ एक स्कूल नहीं बनवाया, एक लाइब्रेरी नहीं बनवाई। तो मुझे लगता है अब उनको अपनी हार देखते वो पतली गली से दूसरे विधानसभा में निकल गए और उन्हें लगा अनुशक्ति नगर खिलौना है और वो अपनी बेटी को देके चले गए। लेकिन पांच ही आपकी लड़ाई जो है वो सना मलिक से है या फिर महायुति से सीधे तौर पर? मेरी लड़ाई बीजेपी से है, विचारधारा से है। अगर सना मलिक जीती तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा उनके वोट से, मैं जीता तो मेरे वोट से मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ विकास अघाड़ी का। लेकिन जो लड़ाई देखने को मिले महायुति वर्सेस महागाड़ी, महायुति एक नारे को कटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे को लेकर क्या समझ में आ रहा, क्या जवाब है आपका? अगर इस देश का हिंदू मुसलमान बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश को काट देंगे। तो हिंदू और मुसलमान जब एक रहेगा तो ये देश एक रहेगा, तो बिल्कुल नहीं बटना है हिंदू और मुसलमान को। लेकिन क्या बीजेपी इसी सहारे वोट पाना चाहती है ऐसे ध्रुवीकरण की राजनीति करके? और क्या है उनके पास, और क्या है उनके पास, भ्रष्टाचार करते हैं। नवाब मलिक ने यहाँ 8 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए कब्रिस्तानों का अलॉट करा के उसे 5 रुपए भी नहीं लगाए। यहाँ पर जो उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ और बचा नहीं है। आपके विरोधी सना मलिक जी कह रही है कि नवाब मलिक की बेटी होना बेहतर है एक एक्टर के पति से, तो जो निजी हमले आप पर हो रहे इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए ऐसा है, एक महिला होके महिला की पहचान पे अटैक करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर वो एक सशक्त महिला से डर रही है और जो खुद को सशक्त बोलती है तो ये बड़ा कोऑर्डिनेटिंग है,
आई एम प्राउड टू बी हस्बैंड ऑफ स्वरा भास्कर, वी आर फ्रेंड्स। तुम्हारे फादर ने घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने और वॉशिंग मशीन में धुलने चले गए, हमने अपने करियर दांव पे लगाए। मैंने स्वरा ने मैंने डिग्री वापस कर दी दलितों की लड़ाई लड़ते हुए, स्वरा ने अपना एक्टिंग करियर दांव पे लगा दिया। हम लोग झुकने डरने वाले नहीं है, कोई कुछ भी बोले। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी बेहद हॉट सीट से, कैसा लग रहा है? चुनावी मैदान आसान है या चैलेंज बहुत ज्यादा है? देखिए, मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो एक एप्लीकेशन में लिखता है उसको चैलेंजिंग मानता है। तो चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। आरक्षण मुद्दा हो गया, संविधान मुद्दा जो महाअघाड़ी के दल उठा रहे हैं, इसी के साथ जातीय जनगणना, लेकिन महायुति के जो लोग हैं वो लगातार इसी नारे पर जोर दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या महायुति के पास कोई नारा या मुद्दा नहीं बचा या फिर महाअघाड़ी आरक्षण के जरिए सत्ता पाना चाहते हैं? जो लोग सरकार में रहे हों और उनके बाद अपने काम ना हो बताने के, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में भ्रष्टाचार कर दिया हो, वो क्या करें बेचारे, परेशान हैं। अभी लोकसभा में उनकी हालत आपने देखी थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ दिन की बात और है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। वहाँ जी, कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आपके पीछे भी स्वरा भास्कर जी है, तो कैसा ये हाथ जो है, क्या इसीलिए चुनाव लड़े, इसीलिए टिकट आपको मिला है? नहीं देखिए, बिल्कुल मतलब स्वरा की मदद मुझे रही, और क्यों ना रहे, हम दोनों एक टीम है, वो मुझे मदद करती है, मैं उनको मदद करता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक संघर्ष रहा है। स्वरा भास्कर ने मुझसे शादी क्यों की थी, क्योंकि मेरा एक संघर्ष था। मैंने सीएनआरसी आंदोलन में हम लोग मिले थे। बिल्कुल यार, परिवार है मेरा, अगर एक बीवी पति की मदद ना करे और पति और बीवी की मदद ना करे तो वो परिवार ही कहाँ हुआ। आपके मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि आप ही नया चेहरा है यहाँ के लिए, और जो महाअघाड़ी या महायुति हुई है वो भी नई रणनीतिक तरीके से बन चुकी है, नया चुनाव है, तो क्या आपके विजन से और क्या मुद्दे आप जनता के बीच लेकर? नहीं नहीं नहीं, मैं इस विधानसभा के लिए नया चेहरा नहीं हूँ, मैं रहने वाला हूँ अनुशक्ति नगर विधानसभा का, सना मलिक रहने वाली है कुरला विधानसभा की, मैं रहने वाला हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ की, संघर्ष यहाँ किया, सब कुछ मैंने यहाँ किया है, वैसा कोई मैं कोई ऐसा नया वह चेहरा नहीं हूँ। लेकिन सर, यहाँ से सना मलिक आपके मुकाबले पर है, उनको समर्थन है, उनके पिताजी का बैकग्राउंड जो है, क्योंकि वो यहाँ से अभी सिटिंग एमएलए भी है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आपकी राह आसान हो पाएंगी? देखिए ऐसा है, ये लोकशाही है, राजशाही नहीं है, कि बाप जो है अपनी बेटी को, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो जमाने गए, अब जो संघर्ष करेगा जमाने पे जनता उसको चुनेगी। तो क्या इस सीट पर एकदम अस्तित्व वाली लड़ाई बन गई है, क्योंकि एनसीपी वर्सेस एनसीपी, असली और नकली की जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या अस्तित्व की लड़ाई है? नहीं, अस्तित्व की लड़ाई नहीं, महाराष्ट्र के अस्मिता की लड़ाई है, जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ धोखा किया है ये उनके खिलाफ लड़ाई है, अस्तित्व की क्या लड़ाई है? हमने उनको धूल चटा दी थी, 10 में से 8 सीटें जो है शरद पवार साहब जीत के आए थे, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है उन गद्दारों के खिलाफ जिन्होंने गद्दारी की। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा नतीजे जो रहे उसका असर दिखाई देगा विधानसभा में भी? नहीं, क्यों नहीं दिखाई देगा, मतलब आप ये मान के चलते हो 2014 के नतीजे अभी तक दिखे और पिछले लोकसभा के नतीजे ना दिखे तो आप हिप्पोक्रेट हो, बिल्कुल दिखाई देगा। लेकिन पीएम मोदी बहुत रैलियां कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। पीएम मोदी अभी 4-5 दिन के लिए दौरे पे जा रहे हैं। बेसिकली ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को पता चल गया, अभी 4-5 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देंगे अब 2-3 दिन के बाद। झारखंड जाते हैं तो बेटी माटी रोटी सब कुछ याद आता है, बेटी वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहें? कौन सी बयान? बेटी खतरे में है, बेटी लूट ले जाएंगे महाअघाड़ी के दल झारखंड में जाकर कहते हैं। भाई महाराष्ट्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। देश में सरकार किसकी? बीजेपी की। अगर बेटी में खतरे में है तो बेटी खतरे में नहीं है, बेसिकली इनकी कुर्सी खतरे में है। जब जब कुर्सी खतरे में आती है तब ये बोलते हैं मेरी जान खतरे में है, मेरी बेटी खतरे में है। चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों की बात है। अमित शाह जी कहते हैं कि शरद पवार को इस बार मौका नहीं मिलेगा सीएम चुनने का। क्यों नहीं मिलेगा? वो कोई प्रॉक्सी सीएम बनाते हैं क्या? कोई वो जस्ट अ सेकंड, जस्ट आई नो व्हाट यू वांट टू टॉक टू, जस्ट वेट। ऐसा है, शरद पवार साहब ही महाराष्ट्र के नेता चुनेंगे और मुख्यमंत्री भी चुनेंगे। तो इस बार महाअघाड़ी महायुति को पटकनी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? पूरी तरीके से तैयार। धन्यवाद। बहुत अहमद जी हमारे साथ थे जो प्रचार कर रहे हैं और एकदम जनता से मिल रहे हैं प्रचार के दौरान। देखिए पीछे आपके काफिला दिख रहा होगा और ये तमाम लोग हैं जो इस रैली का हिस्सा है। लेकिन ऐसे में फहद अहमद और जो पप्पू यादव से हमारी बातचीत हुई तो उनसे जो सुनने और समझने को मिला उनका साफ कहना है कि इस बार महाअघाड़ी महायुति को कड़ा मुकाबला देने वाली है।
मुद्दों पर चुनाव होगा। जैसा पप्पू यादव ने कहा कि क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कानून व्यवस्था से लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर महागाड़ी चुनाव लड़ रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है जब फहद अहमद के समर्थन में उनके लिए प्रचार करने पप्पू यादव उतरे हैं, तो क्या अनुशक्ति नगर की सीट और ज्यादा दिलचस्प हो गई और क्या होगा यहाँ का नतीजा देखना होगा। फिलहाल के दीजिए।